हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल द क्रेजी अनबॉक्सर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इसका नाम है क्रॉम्पटन एयरबडी। तो चलिए इसकी बॉक्स डिटेल के बारे में आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ हमें मिलती है क्रॉम्पटन की ब्रांडिंग, देन आफ्टर ये एयरबडी किचन फैन का बड़ा सा लोगो, और यहाँ हमें मिलता है क्रॉम्पटन की तरफ से एक स्लोगन जो कहता है योर बेस्ट फ्रेंड इन द किचन। तो और इसकी फर्दर डिटेल्स हम देखें तो यहाँ जो बॉक्स के इस साइड में हमें मिलती है इसकी आगे की डिटेल्स, जिसमें दिया गया इसका मॉडल नंबर, इसका नाम और इसकी MRP और इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट भी साथ में दी गई है। तो गाइस, जब हम इसकी MRP की बात करें तो यहाँ हमें मिलती है इसकी MRP 3500, पर असल में ये इतना महंगा नहीं है। हमें ये किस रेंज में पड़ा हम बताते हैं इसको आगे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और बताता हूँ मैं आपको इसकी डिटेल्स के बारे में। तो चलिए करते हैं बॉक्स को ओपन। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप कोई अपडेट मिस ना कर पाए। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हमें बॉक्स में एक ये मिला है जो कि एक किचन फैन, ये मिला हमें इसका स्टैंड, और ये जो दोनों है ये है इसके हिंज सपोर्ट, इसके थ्रू आप इसको वॉल में फिट कर सकते हैं। और यहाँ मिली हमें ये यूज़र मैनुअल और जो है इसके पीछे यहाँ वारंटी कार्ड। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ 24 मंथ्स की वारंटी दी गई है साथ में। तो इसी के साथ अगर आपको इसके 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर अगर इसमें कुछ भी दिक्कत आए तो आप इसको कंपनी से वारंटी के थ्रू रिप्लेस करा सकते हैं या फिर इसका पार्ट वगैरह चेंज करा सकते हैं। तो इसको रखते हैं हम साइड में। तो अब हम बात करते हैं इस किचन फैन की जो इसका मेन कंपोनेंट है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ अगेन क्रॉम्पटन की ब्रांडिंग दी गई है, और ये जो क्रॉम्पटन की ब्रांडिंग है ये आप देख सकते हैं, ये अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो ऑटोमेटिक हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जब इसको वर्टिकल करेंगे तो ऑटोमेटिक वर्टिकल हो जाएगा। तो इसमें यह भी फंक्शन है कि आप इसको हॉरिजॉन्टल भी रख सकते हैं इसके पीछे जो दिए गए हिंज सपोर्ट जो मैंने आपको बताए हैं इन हिंज सपोर्ट के थ्रू। और ये जो यहाँ इसकी ग्रिल दी हुई है, इस ग्रिल में यहाँ ये जो कंट्रोल्स है इसके थ्रू हम विंड डायरेक्शन सेट कर सकते हैं। और बात करते हैं हम इसके पीछे की, तो यहाँ कुछ इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए इसको कैसे क्लीन कर सकते हैं हम घर पे ही, तो मैं इसको आपको बताता हूँ। तो ये यहाँ इसकी दी हुई है एयर वेंट्स। चलिए करते हैं इस पॉलीथीन को हम अनरैप और करते हैं इसको स्टार्ट। तो गाइस, अब इसको हम अपने स्टैंड में सेट कर देते हैं ताकि यहाँ कहीं गिरे या हिले डुले तो दिक्कत ना आए। जैसा कि आप सब देख सकते हैं इसके सेट हो गया, अब इसको गिरने का डर नहीं रहेगा, अब इसको वर्टिकल में आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इस पर स्टार्ट करके बता देता हूँ। तो अब ये यहाँ स्टार्ट नहीं हुआ आप जैसा देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ इसके ऊपर नॉब दिया हुआ है, इस नॉब के ऊपर सेटिंग है ऑफ, और इसमें मैक्सिमम 3 स्पीड तक की सेटिंग है, 1, 2 और 3। चलिए इसको स्टार्ट करके बता देता हूँ मैं आपको। और ये जो है पेपर की फ्रिल है ताकि इससे आपको इसकी एयर की स्पीड का अंदाज़ा लग सके। तो ये है एक नंबर पे इसकी सेटिंग स्पीड, देन अगर आप ये देख सकते हैं 2 नंबर पे इसकी काफ़ी तेज़ हुई है, और ये मैक्सिमम इसकी 3 नंबर की स्पीड है जो फुल स्पीड है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं ये जो इसका स्पीड नॉब है, इसी के पास यहाँ आपको मिलता है एक स्विंग बटन जिससे जो ग्रिल है ये स्विंग होती है। तो मैं आपको इसको स्टार्ट करके बता देता हूँ कि स्विंग कैसे होती है। तो गाइज, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा ये ग्रिल स्विंग हो रही है, और ये ग्रिल स्विंग होने की वजह से जो ये मैक्सिमम एरिया कवरेज करती है हवा के लिए। तो ये जो खड़ा है वर्टिकल स्टैंड पे, और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हॉरिजॉन्टल स्टैंड पे कैसे लगेगा और ये वॉल पर माउंट कैसे होगा। पहले हम इसको ये स्टैंड निकाल देते हैं। तो दोस्तों, ये इसके साथ गिवन हिंज सपोर्ट है जो कि एक हिस्सा इसका दीवार में फिट होगा ये वाला, और ये वाला हिस्सा है जो इसके बैक पैनल में फिट होगा यहाँ। तो मैं आपको फिट करके बता देता हूँ टेम्प्रेरी। और ये यहाँ इसके चारों तरफ स्क्रू लग जाएंगे, और ये ऐसे ही इसमें फिक्स हो जाएगा, और ये जो है ये वॉल माउंट हो जाएगा। देन इसको इस पर सिंपली इस तरीके से ये इसमें फिट होगा, और ये वाला हिस्सा दीवार पर लग जाएगा, और इसको आप इजीली ऐसे मूव भी कर सकते हैं। तो अब हम इसके हिंज को रखते हैं साइड में। थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं इसकी फ़िल्टर और इसके क्लीनिंग सिस्टम की। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर हम इसको यूज़ में लेंगे तो इसमें फ़िल्टर में डस्ट आएगी ही आएगी,
तो मैं बता देता हूँ आपको कि ये कैसे क्लीन होगा। वैसे इसका मेंटेनेंस काफ़ी इजी है। तो दोस्तों जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ दिए गए इसके लॉक्स, तो इसको करते हैं हम ओपन। तो देखिए कितनी इजी तरीके से ओपन हो गया है। तो इसको रखते हैं हम साइड में। और ये रहा इसका फिल्टर, तो इसको निकालना भी काफ़ी इजी है। ये देखिए ये सिंगल हैंडेडली निकल गया है। तो इसको हम ले जाके बाहर साफ़ करके वापस यहाँ लगा के स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जब ये ओपन हो ही गया तो मैं इसको आपको और डिटेल में बता देता हूँ। तो ये दी गई है इसकी मोटर, जिससे इसका ये ब्लेडलेस रोटर घूमता है। तो इस ब्लेडलेस रोटर की एक और ख़ासियत है कि अगर इसमें जब ये चालू है तो इसमें बच्चा अगर उंगली डाल दे तो इसकी उंगली वगैरह कटने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये ब्लेड इसमें कुछ भी नहीं है। ये देखिए आप, और यहाँ नीचे इसके फर्दर स्पीड नॉब के फंक्शन दिए हुए। तो इसको हम वापस कर देते हैं फिट। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इसके फीचर्स और कंक्लूजन के बारे में। तो इसका मेन फीचर तो ये है, जैसा कि आप इसके देख सकते हैं जो ग्रिल है ये काफ़ी पर्सनलाइज्ड एयर फ्लो के लिए बनी हुई है। तो इसकी वजह से आप जो कुकिंग करेंगे तो आपकी ये कुकिंग फ्लेम वगैरह को ये इफ़ेक्ट नहीं करते हुए ये सीधा आपके फेस पर या आप जिस भी डायरेक्शन में इसको रखेंगे वहाँ ये आपको एग्जैक्ट हवा देगा विदाउट किसी दूसरी चीज़ को अफेक्ट करे हुए। और ये काफ़ी पोर्टेबल है, तो इसको आप कोई भी घर का कोई भी सदस्य आपको इजीली इसको कैरी कर सकता है, कहीं भी रख सकता है इसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। और इसका थर्ड जो है, जो मैंने आपको जस्ट क्लीन करके बताया ये जो है इसका इजी मेंटेनेंस, जो कि काफ़ी इजी है वाकई में। तो फिल्टर वगैरह आप इजीली क्लीन कर सकते हैं। और जो इसका सबसे मेन फंक्शन है वो है इसकी ब्लेडलेस रोटर, जिससे आपके अगर बच्चे इसमें उंगली डाल दें तो इसकी दिक्कत नहीं आएगी। तो ये थे इसके फीचर्स, और अब बात करते थे इसकी प्राइस की, और उसके बाद बात करते हैं हम इसके कंक्लूजन की। तो इसकी MRP दी गई है हमें 3500, पर ऑन एन एवरेज ये आपको ऑफर्स में या फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे है या फिर अमेजोन के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल जो सेल है उसमें आपको ये 1200 से 1500 तक में इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो अगर आप इसको ख़रीदना चाहें तो आप उस टाइम इसको खरीदिए, और अगर आपको अभी ख़रीदना है तो हम इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप इजीली परचेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम इसके कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो क्रोम्पटन का एयरबडी किचन फ़ैन है ये वाकई में काफ़ी अच्छा है, और किचन में काफ़ी हेल्पफुल भी आपको साबित होगा। जो भी किचन में काम करते हैं आपके घर की लेडीज़ या फिर कोई जेंट्स भी अगर काम करते हैं तो इन गर्मियों के दिनों में ये काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।